नमस्ते कक्षा, आपका कनेक्टेड में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ेंगे। चलिए इस पाठ के सबसे महत्वपूर्ण शब्द आंकड़े को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कुछ उदाहरण लेंगे और आंकड़े क्या होते हैं उसे समझने का प्रयास करेंगे। आपके दैनिक जीवन में आपके सम्मुख निम्नलिखित प्रकार की सूचनाएं आई होंगी। पिछले 10 टेस्ट मैचों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रन, पिछले 10 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों ODI में एक गेंदबाज द्वारा दिए गए कुल विकेट, आपकी कक्षा के विद्यार्थी द्वारा गणित की यूनिट टेस्ट में प्राप्त किए गए अंक, आपके मित्रों में से प्रत्येक द्वारा पढ़ी गई कहानियों की पुस्तकों की संख्या इत्यादि। इन सब स्थितियों में एकत्रित की गई सूचनाएं आंकड़े यानी डाटा कहलाती है। आंकड़े प्रायः एक स्थिति में एक संदर्भ में एकत्रित किए जाते हैं जिसका हम अध्ययन करते हैं, या सरल भाषा में कहें तो एक विशिष्ट विषय की संख्याओं के संग्रह को डाटा या आंकड़े कहते हैं। निष्कर्ष निकालने के लिए हमें आंकड़ों को एक क्रमबद्ध रूप में संगठित करने की आवश्यकता होती है। बच्चों, जैसा कि आप समझ चुके होंगे कि आज का विषय है आंकड़ों का प्रबंधन, आंकड़ों की परिभाषा क्या है, आंकड़े प्राय एक स्थिति में संदर्भ में एकत्रित किए जाते हैं जिसका हम अध्ययन करना चाहते हैं, इसे सरल भाषा में समझने के लिए एक उदाहरण का अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम यह जानना चाहते हैं कि कितने छात्रों को नृत्य या गायन या पेंटिंग या आउटडोर गेम खेलने का शौक है, इस तथ्य के संग्रह को डाटा कहा जाता है। डाटा संग्रह का उद्देश्य यथा प्राप्त आंकड़े रॉ डाटा के बीच अंतर संबंध की व्याख्या करना है, जिसका उपयोग अर्थपूर्ण जानकारी निकालने के लिए किया जा सकता है। आगे हम डेटा की प्रस्तुति के बारे में जानेंगे। डेटा की प्रस्तुति का महत्व कई गुना बढ़ जाता है क्योंकि यह सबसे सरल रूप में परिणाम देगा जो समझने और व्याख्यान करने में आसान होता है। प्रस्तुति के रूप में हम अपनी आवश्यकता के अनुसार चयन करेंगे जो व्याख्या को बहुत आसान बनाता है। कभी कभी आंकड़ों को यह सूचित करने के लिए कि वे क्या निरूपित करते हैं अलेखीय रूप से निरूपित किया जाता है। क्या आपको उन विभिन्न प्रकारों के आलोकों के बारे में पता है जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े थे? एक चित्रालेख पिक्टोग्राफ, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण। एक दंडालेख बारग्राफ, एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए सूचना का प्रदर्शन, जिसमें दंडों की लंबाई ऊंचाई क्रमशः उनके मानों के समानुपातिक होती है। दंड की लंबाई प्रत्येक श्रेणी की मात्रा दर्शाती है। दंड समान चौड़ाई के होते हैं और दो क्रमागत दंड के बीच में समान दूरी रखी जाती है। द्विचट आलेख डबल बार ग्राफ, आंकड़ों के दो समूहों को एक साथ दर्शाने वाला आलेख। अब हम तीनों प्रकार के आलोकों का गहराई से अध्ययन करेंगे। चित्रालेख एक ग्राफिक प्रतीक है जो एक भौतिक वस्तु के लिए अपनी सचित्र समानता के माध्यम से उसका अर्थ बताता है। चित्रों का उपयोग अक्सर लेखन और ग्राफिक सिस्टम में किया जाता है जिसमें अक्षर दिखने में काफी हद तक सचित्र होते हैं। सरल शब्दों में इसका अर्थ है छवियों के रूप में प्रतिनिधित्व। अब आइए एक उदाहरण की मदद से अवधारणा को समझते हैं, जहां एक बैग का आरेख 200 बैग के उत्पादन का संकेत देता है। अब अगले रूप को सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक दंडालेख बार ग्राफ को बार चार्ट भी कहा जाता है, जो एक चार्ट या ग्राफ होता है जो ऊंचाइयों या लंबाइयों के साथ आयतकार सलाखों के साथ श्रेणीबद्ध डाटा प्रस्तुत करता है, उनके मूल्यों का अनुपातिक है। सलाखों और लंबवत या क्षैतिज रूप से प्लॉट किया जा सकता है। एक बार चार्ट असतत श्रेणियों के बीच तुलना दिखाता है। अब आइए एक उदाहरण की मदद से अवधारणा को समझते हैं। मान लीजिए कि एक छात्र को क्रमशः अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल में 75, 90, 59, 60, 45 मिला और हम इस ग्राफ को प्लॉट करने की आवश्यकता है। ग्राफ तैयार होने के बाद हमें इस आधार पर कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अब हम अगले रूप को सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं। द्विदंड आलेख डबल बार ग्राफ, आंकड़ों के दो समूहों को एक साथ दर्शाने वाला चार्ट या ग्राफ होता है। अब आइए उपरोक्त उदाहरण को संशोधित करके इस अवधारणा को समझते हैं। इस आधार पर कुछ सवाल के जवाब देते हैं। अब सीखी हुई अवधारणाओं का अभ्यास करना चाहिए। दिए गए प्रश्नों का अभ्यास करें। पहला प्रश्न, दी हुई सूचना को निरूपित करने के लिए उपयुक्त आलेख खींचिए।
प्रश्न तीसरा, 8 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट टीमों द्वारा ओडीआई में जीतने का प्रतिशत। अब अगले विषय पे आगे बढ़ते हैं। अब हम आंकड़ों का संगठन ऑर्गेनाइजिंग डेटा के बारे में पढ़ेंगे। प्रायः हम उपलब्ध आंकड़े असंगठित रूप में प्राप्त होते हैं, जिन्हें यथा प्राप्त आंकड़े रॉ डाटा कहा जाता है। अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए हमें आंकड़ों को एक क्रमबद्ध रूप में संगठित करने की आवश्यकता होती है। उदाहरणतः विद्यार्थियों के एक समूह से उनके मनपसंद विषयों के बारे में पूछा गया, जिसके परिणाम की सूची नीचे दी गई है। कला, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी। गणित, कला, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, कला, अंग्रेजी, कौन सा विषय सबसे अधिक पसंद किया गया और कौन सा विषय सबसे कम पसंद किया गया। आकस्मिक रूप से लिखी गई सूचियों या पसंदों को देखकर इस प्रश्न का उत्तर देना सरल नहीं है। हम मिलान चिन्हों टैली मार्क का प्रयोग करते हैं। इन आंकड़ों को सारणी के रूप में व्यवस्थित करते हैं। प्रत्येक विषय के सम्मुख लिखी मिलान चिन्हों को संख्या से विशिष्ट विषय को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त करते हैं। यह संख्या उस विषय की बारंबारता फ्रीक्वेंसी कहलाती है। उपरोक्त रूप से बनाई गई सारणी एक बारंबारता बंटन सारणी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि एक प्रविष्टि कितनी बार आई है। जैसे गणित पसंद करने वाले विद्यार्थियों की बारंबारता है 5, अंग्रेजी को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की बारंबारता है 4 इत्यादि। किसी प्रविष्टि की बारंबारता यह संख्या कितनी बार प्रविष्टि आंकड़ों में आती है। प्रयास कीजिए। विद्यार्थियों को एक समूह को यह बताने को कहा गया कि वे किस पशु को सबसे अधिक घर में पालना पसंद करेंगे। इसके परिणाम नीचे दिए गए हैं। उपरोक्त के लिए एक बारंबारता बटन सारणी बनाइए। अब हमने सीखा है कि डाटा क्या है, कैसे व्यवस्थित किया जाता है, तो हम डाटा के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। जब हम डाटा के संगठन ग्रुप डाटा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हर बार मिलान चिन्ह टैली मार्क हमारी आवश्यकता को पूरा नहीं करता। इसे उभरने के लिए हम डेटा का समूह बनाते हैं। एक उदाहरण की मदद से हम डेटा के समूहीकरण के बारे में जानेंगे। अब 60 विद्यार्थियों की कक्षा मान लेते हैं। गणित में निम्नलिखित अंक कुल 50 अंकों में से उन्हें मिले हैं। आपकी क्या राय है, किस तरीके से हमें प्रस्तुत करना चाहिए? यदि हम प्रत्येक प्रेक्षण के लिए बारंबारता बटन सारणी बनाएं तो वो बहुत लंबी होगी। अतः हम सुविधा के लिए प्रेक्षणों के कुछ समूह या वर्ग बनाते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20 इत्यादि, तथा प्रत्येक समूह या वर्ग में आने वाले प्रेक्षणों की संख्या के आधार पर एक बारंबारता बटन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार उपरोक्त आंकड़ों के लिए बारंबारता बटन सारणी निम्नलिखित हो सकती है। उपरोक्त प्रकार से प्रस्तुत आंकड़े वर्गीकृत आंकड़े ग्रुप डेटा कहलाते हैं, तथा प्राप्त बंटन वर्गीकृत बारंबारता बटन कहलाते हैं। इससे अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकलने की सहायता मिलती है। जैसे अधिकांश विद्यार्थियों ने 20 और 40 के बीच में अंक प्राप्त किए, 8 विद्यार्थियों ने 50 में से 40 से अधिक अंक प्राप्त किए।
चूंकि हमने एक उदाहरण का अध्ययन किया, इसलिए हम इस प्रकार के प्रश्न को हल करते समय ध्यान में रखे जाने वाले उपरोक्त प्रश्न के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदुओं को सीखेंगे। समूह 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इत्यादि में से प्रत्येक एक वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल संक्षेप में एक वर्ग क्लास कहलाता है। उपारि या उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का यह अंतर वर्ग अंतराल की चौड़ाई या माप कहलाती है। 10 दोनों ही वर्गों 0 से 10 और 10 से 20 में सम्मिलित है। अर्थ एक संख्या 2 वर्ग अंतराल प्रकट होता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक प्रविष्टि को एकल श्रेणी के अंतराल में शामिल किया जाएगा और इसीलिए हम उच्च श्रेणी के अंतराल में एक विशेष प्रविष्टि लेते हैं, अर्थात प्रेक्षण 10 वर्ग अंतराल 10 से 20 में सम्मिलित है। 0 से 10 में वर्ग अंतराल 10 से 20 में 10 निम्न वर्ग सीमा लोअर क्लास लिमिट कहलाती है, 20 ऊपरी या उच्च वर्ग सीमा अपर क्लास लिमिट कहलाती है। इसी प्रकार वर्ग अंतराल 20-30 में 20 निम्न वर्ग सीमा तथा 30 उच्च वर्ग सीमा है। वर्ग अंतरालों 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इत्यादि में से प्रत्येक की उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का अंतर बराबर है, इस स्थिति में 10। सरल शब्दों में वर्ग अंतराल हर समूह में बराबर होना चाहिए। अब हमने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट किया है और हम फिर से स्पष्ट समझ के लिए 2 प्रश्न और हल करेंगे। कृपया अगले प्रश्न पर ध्यान दें और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ग अंतराल की माप क्या है? किस वर्ग को सबसे अधिक बारंबारता है? किस वर्ग की सबसे कम बारंबारता है? वर्ग अंतराल 250 से 275 की उच्च सीमा क्या है? किन 2 वर्गों की बारंबारता एक ही है? हमने पिछली कक्षा में आयत चित्र हिस्टोग्राम सीखा है। अब हम संशोधित करेंगे कि संक्षेप में आयत चित्र हिस्टोग्राम क्या है। क्षैतिज अक्ष पर प्रेक्षणों के समूह अर्थात वर्ग अंतरालों को निरूपित करते हैं। दंड की लंबाई वर्ग अंतराल की बारंबारता दर्शाती है और यहाँ दंडों के बीच में कोई रिक्तता नहीं क्योंकि वर्ग अंतरालों के बीच में कोई रिक्तता नहीं। आंकड़ों के इस प्रकार का आलेखीय निरूपण एक आयत चित्र हिस्टोग्राम कहलाता है। अब हम हिस्टोग्राम में प्रश्न संख्या 2 के अनुसार डाटा प्रस्तुत करेंगे। चूंकि हमने हिस्टोग्राम बनाना सीख लिया है, इसलिए अब हम सीखेंगे कि चार्ट का विश्लेषण कैसे करें और जानकारी कैसे निकालें। इस उद्देश्य के लिए दिए गए कुछ प्रश्नों का उत्तर दें। इस आयत चित्र द्वारा क्या सूचना दी जा रही है? किस वर्ग में अधिकतम विद्यार्थी हैं? कितने विद्यार्थियों का वजन 50 या 50 किलोग्राम से अधिक है? यदि हम विद्यार्थियों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित करें तो देखें कितने विद्यार्थी होंगे। 50 kg या उससे अधिक समूह ए, 45 kg या उससे अधिक परंतु 50 kg से कम समूह बी, 45 kg से कम समूह सी। उत्तर: हिस्टोग्राम एक डाटा श्रृंखला को आसानी से व्याख्या दिए गए उद्दिष्ट में तार्किक श्रेणियों में समूहित करके संग्रहित करता है। दिए गए प्रश्न में वजन को 5 किलोग्राम के अंतराल के साथ रखा गया है ताकि यह पहचानना आसान हो कि कितने विद्यार्थी एक विशेष समूह के अंतराल में आते हैं, 45 से 50। वृत्त आलेख या पाई चार्ट।
पाई चार्ट प्रस्तुति के विभिन्न रूपों में से एक है। पाई चार्ट में आपका डाटा गोल आकार में दिखाई देता है। स्लाइस के आधार उस मैट्रिक की मात्रा या उससे जुड़े मान के अनुपात में होते हैं जिसे आप चार्ट में शामिल कर रहे हैं। आमतौर पर पाई चार्ट मानों के बीच के अनुपात में काफ़ी अंतर होता है। कुछ डाटा बिंदुओं को तुलना करने के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। पूर्ण विशेषण के लिए हम एक उदाहरण की मदद से पाई चार्ट सीखेंगे। 24 घंटे में दिए गए छात्र की कुल गतिविधि का एक उदाहरण लेते हैं। विश्लेषण, यह निरूपित वृत्त आलेख सर्कल ग्राफ कहलाते हैं। एक वृत्त आलेख एक संपूर्ण होल और उनके भागों में संबंध दर्शाता है। यहाँ संपूर्ण वृत्त को त्रिज्य खंडों सेक्टर में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक त्रिज्य खंड का साइज या अपान उसके द्वारा निरूपित क्रियाकलाप या सूचना के समानुपात होता है। उदाहरणतः उपरोक्त आलेख में सोने की क्रिया में विभाजित किए गए छत्रों में घंटों में त्रिखंड का अनुपातित भाग, इसीलिए इस त्रिखंड को पूरे वृत्त के भाग के रूप में खींचा गया है। इसी प्रकार स्कूल में व्यतीत किए गए पटों के त्रिज्य खंड का अनुपात भाग, और इसी तरह से ये आगे बढ़ता है। हमने सीखा है कि पाई चार्ट क्या है। अब हम आगे सीखेंगे कि पाई चार्ट किसे बनाया जाता है, कैसे बनाते हैं। इसे सीखने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। किसी स्कूल के विद्यार्थी द्वारा पसंद की जाने वाली आइसक्रीमों की महक या स्वाद नीचे दिए गए हैं। आइए इस आंकड़ों को एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित करें। वृत्त के केंद्र का पूरा कोण 360 डिग्री है। त्रिज्यखंडों के केंद्रीय कोण सेंट्रल एंगल 360 डिग्री के भाग या कोई भिन्न होंगे। त्रिज्यखंडों को दर्शाने के लिए एक सारणी बनाएंगे। अब हम त्रिज्य खंडों भागों को पाई चार्ट बना सीखेंगे। जिस सुविधाजनक क्रिया का एक वृत्त खींचिए, इसका केंद्र 0 और एक त्रिज्या 0a अंकित कीजिए। चॉकलेट के त्रिज्य खंड का कोण 180 डिग्री है। चांदे का प्रयोग करके एंगल AOB = 180 डिग्री खींचिए। बचे हुए त्रिज्य खंडों को भी इसी प्रकार अंकित करते रहिए। संयोग और प्रायिकता, कभी कभी ऐसा होता है कि वर्षा ऋतु में प्रत्येक दिन बरसाती रहकर बाहर नहीं निकलते और कई दिनों तक कोई नहीं होती, परंतु संयोग से एक दिन आप बरसाती रहना भूल जाते हैं, उस दिन भारी वर्षा हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक निजी एक टेस्ट के 5 से 4 अध्याय अच्छी प्रकार से तैयार कर लेता है, परंतु एक बड़ा प्रश्न अध्याय से पूछ लिया जाता है जिसे उसने अच्छी प्रकार तैयार नहीं किया। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि एक विशेष रेलगाड़ी सही समय से चलती, परंतु जिस दिन आप सही समय पर पहुँचते उसी दिन वो देरी से आती है। आपको उपरोक्त प्रकार की अनेक स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां आप संयोग का सहारा लेकर कार्य करना चाहते हैं, परंतु वहां उस प्रकार से नहीं जैसा आप चाहते। क्या आप ऐसे कुछ उदाहरण दे सकते हैं?
या ऐसे उदाहरण जहाँ किसी बात के होने न होने के संयोग बराबर नहीं है। एक रेलगाड़ी के समय पर ना आने या आने के संयोग बराबर नहीं है। जब आप कोई टिकट खरीदता है यदि प्रतीक्षा सूची में, तो आप निश्चय ही योग का सहारा देते हैं। आप ये आशा करते हैं कि आप यात्रा करेंगे तब यह टिकट पर आपकी सीट आरक्षित हो जाएगी, परंतु यहाँ हम कुछ ऐसे प्रयोगों पर विचार करेंगे जिसमें परिणामों के होने के संयोग बराबर है। कोई परिणाम प्राप्त करना। आपने संभवतः ये देखा होगा कि एक क्रिकेट मैच के प्रारंभ होने से पहले दोनों टीमों के कप्तान बाहर जाकर निर्णय करते हैं कि सिक्का उछालते हैं कि कौन सी टीम पहले अपनी पसंद से बल्लेबाजी या गेंदबाजी का चयन करेगी। अब इस सिक्के को उछाला जाता है तो आपको क्या सम परिणाम प्राप्त होते हैं? निसंदेह चित्त और पाँव। बट कल्पना कीजिए कि आप एक टीम के कप्तान हैं और आपकी मित्र दूसरी टीम का कप्तान है। अब आप सिक्का उछालते हैं और अपने मित्र को बोलने को कहते हैं। क्या आप किस उछाल के परिणाम पर कोई नियंत्रण रख सकते हैं? क्या आप कुछ प्राप्त हो सकता है यदि आप ऐसा चाहते हैं, अथवा क्या आपको पट प्राप्त हो सकता है यदि ऐसा नहीं आप चाहते हैं? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। इस प्रकार का प्रयोग एक यादृच्छिक या यादृच्छिक प्रयोग कहला जाता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट। चित और पट के इस प्रयोग के दो परिणाम आउटकम्स हैं। अब निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। यदि आप एक स्कूटर चलाना प्रारंभ करें तो संभवतः परिणाम क्या है? जब एक पासे फेंका जाता है तो संभवतः 6 परिणाम क्या है? हाँ, समाधान उतना ही सरल है जितना हम सोच सकते हैं। प्रश्न एक का उत्तर या तो आप स्कूटर चलाना सीखेंगे या नहीं सीखेंगे। इसलिए उत्तर या तो आप स्कूटर चलाना सीखेंगे या आप नहीं सीखेंगे, यानी इसके दो परिणाम होंगे। उत्तर दूसरे, संभवतः 6 परिणाम होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यह समझना आसान और सरल था। अब थोड़ा और कठिन विषय सीखेंगे। अगले अब हम सब संभवित परिणाम सीखेंगे। एक उदाहरण के माध्यम से समझना आसान है। हम इन उदाहरण पर एक नज़र डालें। एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो जितनी बार चित या पट आते हैं उन्हें लिख लिया जाए। आइए अपने परिणाम सी तालिका को देखें, जहां हम उछालों की संख्या में वृद्धि देखते हैं। ध्यान दीजिए, जब आप उछालों की संख्या अधिकाधिक बढ़ाते हैं तब चित्तों की संख्या और पटों की संख्या परस्पर अधिकाधिक निकट आती जाती है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं प्रयोग के विभिन्न परिणाम संभावित या संप्राय इक्वली लाइकली है। इसका अर्थ यह है कि सभी में से प्रत्येक परिणाम के आने का संयोग चांस एक ही है। अब आगे बढ़ते हुए अगला विषय है संयोग को प्रायिकता से जोड़ना। एक सिक्के को बार बार उछालने के प्रयोग पर विचार कीजिए। परिणाम क्या है? यहाँ केवल दो परिणाम है, चित या पट। दोनों ही परिणाम संप्राय इक्वली लाइकली है। एक चित प्राप्त करने की संभावना दो परिणामों में से एक अर्थात आधा है। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता प्रॉबिलिटी हाफ है। एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? जब कुल संभावनाएं या प्रायिकता एक के बराबर होती है तब पट की प्रायिकता होगी 1 या हाफ। अब एक पासे को फेंकने के बारे में सोचें जिसके फलकों फेसेस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक फलक पर एक संख्या अंकित है। यदि आप इस एक बार फेंकें तो परिणाम क्या होगा? परिणाम है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस प्रकार यहाँ 6 संप्रायिक परिणाम। परिणाम 2 प्राप्त करने की संख्या है या प्रायिकता है 1/6। संख्या 5 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? संख्या 7 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? जवाब है 0। 1 से 6 तक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? 1/6। आज का अंतिम विषय है घटनाओं के रूप में परिणाम। एक प्रयोग के प्रत्येक परिणाम या परिणामों के संग्रह में से एक घटना इवेंट बनती है। उदाहरणतः एक सिक्के को उछालने के प्रयोग में एक चित प्राप्त करना या घटना तथा एक पट प्राप्त करना भी एक घटना है। एक पासे को फेंकने की स्थिति में परिणामों 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में से प्रत्येक परिणाम प्राप्त करना एक घटना है। हम प्रविष्टि और घटना को समझने के लिए एक उदाहरण की मदद लेंगे। एक थैले में 4 लाल गेंदे और 2 पीली गेंदे हैं। ये गेंदों के रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसी अर्थात सर्वसम आइडेंटिकल है। थैले के अंदर से बिना देखे गए गेंद निकाली जाती है। एक लाल गेंद प्राप्त करने की क्या प्राथमिक प्रायिकता है? क्या यह एक पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक या कम है?
इसका हल है यहाँ घटना की कुल 4+2=6 परिणाम है। लाल गेंद प्राप्त करने के लिए 4 परिणाम है। लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता है 4/6 यानी कि 2/3। इसी प्रकार पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता है 2/6 यानी 1/3। क्या आप संयोग और प्रायिकता के वास्तविक उदाहरण और उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं? मौसम की भविष्यवाणी, क्रिकेट में बल्लेबाजी औसत, बीमा, एग्जिट पोल। आज की कक्षा में हमने जो कुछ भी सीखा है उसे संक्षेप में प्रस्तुत करें। हमारे पास अधिकतर उपलब्ध आंकड़े जो असंगठित रूप में होते हैं जिन्हें यथा प्राप्त आंकड़े कहा जाता है। किन्हीं भी आंकड़ों से अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए हमें उन्हें क्रमबद्ध रूप में संगठित करने की आवश्यकता पड़ती है। बारंबारता यह संख्या सिखाती है जितनी बार एक विशिष्ट प्रविष्टि आंकड़ों में आती है। यथा प्राप्त आंकड़ों के समूह बनाए जा सकते हैं और उन्हें एक क्रमबद्ध रूप में वर्गीकृत बारंबारता पठन के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। वर्गीकृत आंकड़ों को आय चित्र का प्रयोग करते हुए प्रदर्शित किया जा सकता है। आयचित्र एक प्रकार का दंड आलेख है जिसमें क्षैतिज अक्ष पर और वर्ग अंतरालों को दर्शाया जाता है तथा दंड की लंबाइयों वर्ग अंतरालों की बारंबारता दर्शाती है। साथ ही दंडों के बीच में कोई रिक्तता नहीं होती क्योंकि वर्ग अंतरालों के बीच में कोई रिक्तता नहीं है। आंकड़ों को वृत्त आलेख या पाई चार्ट का प्रयोग करके भी प्रस्तुत किया जा सकता है। एक वृत्त आलेख एक संपूर्ण और उसके भागों में संबंध को दर्शाता है। कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जिनके परिणाम के आने की संख्या बराबर होते हैं। यह यदृच्छ प्रयोग है जिसे परिणामों की ठीक ठीक प्रामुक्ति भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती। किसी प्रयोग के परिणाम समसंभावित या समप्रायिक कहते आते हैं यदि उनके आने के समय बराबर हो। एक घटना की प्रायिकता घटना को बनाने वालों की परिणामों की संख्या बाय प्रयोग करने के परिणामों की संख्या जब परिणाम समप्रायिक है। किसी प्रयोग के एक से अधिक परिणामों में से एक घटना बनती है। संयोग और प्रायिकता वास्तविक जीवन से संबंधित है। तो बच्चों ये था आज का पाठ। आशा करते हैं कि आप सबको खूब आनंद आया होगा। आज की कक्षा यही समाप्त हुई। अगली कक्षा में मिलते हैं एक नए पाठ के साथ।